मशहूर नागपुर जिले के कई गांवों में किसान फिलहाल संतरे फेंक रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से अपने देश में आयात होने वाले संतरे पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इसके चलते बांग्लादेश में विदर्भ के संतरे की सप्लाई महंगी हो गई है और इनकी सप्लाई में भारी कमी आई है। विदर्भ से प्रतिदिन 50 से 60 ट्रक संतरे बांग्लादेश जा रहे थे। व्यापारियों ने बताया कि अब सिर्फ 5 से 10 ट्रक संतरे ही बांग्लादेश जा रहे हैं। चूंकि भारतीय बाजार में प्रतिदिन 50 ट्रक संतरे अधिशेष रहते हैं, तस्वीर यह है कि कोई खरीदार नहीं है। संत्र्याचं उत्पादन पावसा कमी असल्यामुळे संत्रा छोटा राहिला, त्यामुळे उत्पादनाचा अर्धापट कमी झालेला आहे आणि भाव पण त्याच पटीने अर्धापट खाली आलेले आहे। ज्या संत्र्याचे 25-30 रुपये दर यायला पाहिजे, त्या संत्र्याचे 14-15 रुपये दर येत आहे पावसा कमी झाल्यामुळे। माझ्या बगीचाला टोटली खर्च 4 ते 5 लाख रुपये येतात, त्यामुळे 2-2.5 लाख रुपये घडेल जास्तीत जास्त, त्यापेक्षा जास्त घडू शकणार नाही। फवाराचा खर्च आहे, DAP आहे, सर्व खात आहे, जाळ्या लागण्याला टोटली खर्च इतका जास्त वाढ झालेली आहे, त्यामुळे संत्र्याला यावर्षी दर कमी असल्यामुळे नुकसान जास्त झालेलं आहे। दरवर्षी मदती अपेक्षा आम्ही ठेवतो, कास्तकार ठेवायलाही पाहिजे इतक्या दरम्यान झालेलं आहे, ते त्यांचं कर्तव्य पण आहे, पण त्या हिशोबाने मदत देत नाही कास्तकाराला राज्य सरकार, त्यामुळे अत्यंत दुःख भासते। पण त्यामध्ये आपण जितकी क्षमतेने कास्तकारावर भरोसा करतात राज्य सरकार, त्याप्रमाणे फायदा मिळत नाही। पिछले साल से आयात कर में बढ़ोतरी ने संतरा किसानों को परेशान कर दिया है। बागवानी में होने वाले खर्च के कारण आय घटने से किसान को 2 से 3 लाख का नुकसान उठाना पड़ता है। बांग्लादेश की ओर से आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद अब मार्केट में संतरा अतिरिक्त होने से खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे संतरा उत्पादकों की चिंता बढ़ी है। इस मामले में अब सरकार क्या भूमिका लेती है? आज संतरा का रेट है नागपुर में 15 रुपये से लेके 25 रुपये, एक दो जो लाट बहुत अच्छे थे वो 25 रुपये से 28 रुपये तक बिके। और आवक की बात है तो करीब करीब आवक मार्केट में मोटा मोटी 300 टेम्पू की है, जो मोटा मोटी समझ के चलो 300 टेम्पू यानी 600-700 टन माल आ रहा है नागपुर। बांग्लादेश का ये थोड़ा सा बॉर्डर पे कुछ तो भी अभी जो नए टैक्सेस वगैरह लाए हैं उसमें ये हो रहा है कि जो यहाँ से उधर लेके जा रहे हैं उनको काफ़ी महंगा पड़ रहा है टैक्सेस के कारण। नियर अबाउट करीब 150 से लेके 200% तक का कुछ उसमें टैक्सेस हो गया है। अब देखो उसमें कुछ गवर्नमेंट तो कह रही है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ नया चेंजेस आना चाहिए उसमें, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ये करीब करीब 1 साल होने पर आ गया है। नहीं तो उस कारण से क्या किसान भाइयों को और अच्छा रेट भी मिल जाता था बांग्लादेश बॉर्डर, थोड़ा सा अगर ये सब टैक्सेस वैक्सेस का अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो इसमें किसानों को, किसान भाइयों को भी काफ़ी अच्छे उसमें मतलब उनके माल के अच्छे प्राइस मिल जाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। तो यानी आप ये समझ के चलिए कि सीधा यानी आप एक रुपए की चीज़ वहाँ सीधा सीधा टैक्सेस के बाद में यानी जो भाड़ा तो वैसे ही ज़्यादा होता है क्योंकि वाया मेहंदीपुर से ही जाती है गाड़ियाँ सभी, और जो टैक्सेस अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर टैक्सेस जो पहले जैसा था उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी फर्क, ऑलमोस्ट यानी डबल का ही फर्क पड़ेगा। इसमें नुकसान मेन किसान भाइयों का ही है ना, और गवर्नमेंट ने इतना टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए था मेरे हिसाब से एकदम से, जो इतना फ्रूट्स के ऊपर और ये सब सब्जियों के ऊपर यानी जो चीज़ें हैं ये जारी है। एक्चुअली ये सब चीज़ों से तो यहाँ के फार्मर्स को बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ये टैक्सेस लगने से वहाँ के काफ़ी यानी मतलब माल का आवाजाही बंद हो गई। मार्केटमध्ये संत्र्याची 150 ते 200 टेम्पोची आवक सुरू आहे आणि रेट 10,000 पासून तर 25,000 रुपये टनाची पोझिशन आहे, माल पाहून विकून राहिलेला आहे। यावर्षी उत्पादन प्रत्येक वर्षीपेक्षा जास्त होता, पण क्वालिटी नसल्यामुळे उठाव नाही आहे, क्वालिटी एकदम लो आहे, साईज नाही आहे मालाला, सडन आहे मालामध्ये, प्रत्येक गोष्टी या 2-4 असे मोठं नुकसान झालेलं आहे। जिथं 50 गाड्या रोज जात होत्या तिथे 3-4 गाड्या जाऊन राहिलेल्या आहेत आणि थई म्हणजे भरू माल पाठवून राहिले कास्तकार लोक, तर तो फरक पडला आहे ड्युटी जाणे आणि क्वालिटी नाही आहे। तिथे जातपर्यंत समजा 10 टनाची गाडी पाठवली तर 2 टन माल सडून राहिला, सडन आहे मालामध्ये, क्वालिटी नाही, सडन आहे, साईज नाही, त्या सर्व गोष्टी आहेत। मी कास्तकार आहे आणि अलगच काम आहे माझं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपूर।